ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानुः शशि भूमिस्तो बुद्धश्च ग्रोश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शांति करा भवन्तु। सभी दर्शकों को राम राम। मैं एस्ट्रो आदित्य पाराशर वैदिक पाराशर ज्योतिष चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूँ। ज्योतिष से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9560195419। आज मैं आपको सूर्य ग्रह की दृष्टि के बारे में बताऊंगा कि सूर्य ग्रह की दृष्टि आपके जीवन में कब और क्या प्रभाव डालती है, और सूर्य के पास अपनी सातवीं दृष्टि होती है। सातवीं दृष्टि होती है, पूर्ण दृष्टि होती है, संपूर्ण दृष्टि के समान ही समझिए इसे। परंतु ज्योतिष में कुछ ऐसे श्लोक है जिनमें लिखा है कि संपूर्ण दृष्टि, पूर्ण दृष्टि, अर्ध दृष्टि, मित्र ग्रह दृष्टि, शत्रु ग्रह दृष्टि, तो हर एक का अलग अलग प्रभाव है। तो आज मैं आपको सूर्य ग्रह की दृष्टि के प्रभावों के बारे में बताता हूँ। जब भी सूर्य ग्रह की दृष्टि आपके प्रथम भाव पर पड़ेगी तो क्या फल देगी? ये आपका प्रथम भाव है, सूर्य यहाँ से देख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। दृष्टि हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं, जैसा कि मैं पहले वीडियोस में बता चुका हूँ। सूर्य जब भी प्रथम भाव को देखता है तो व्यक्ति रजोगुणी होता है, राजा के सम्मान अपना जीवन व्यतीत करना चाहता, उसका स्टैंडर्ड हाई होता है, वह नेत्र रोगी भी हो सकता है, इसलिए चक्षुषी विद्या का पाठ अवश्य करे। सामान्य धनी होता है, ना तो धन की अधिकता होती है ना कम होता है, ऐसा बालक पितृभक्त होता है और राजमान्य होता है। वह राजा से, किसी उच्च क्लास के ऑफिसर से, एमपी से, एमएलए से सम्मान पाने वाला होता है। इसके अलावा दूसरे भाव में सूर्य हमें क्या प्रदान करेगा? यह है दूसरा भाव, इसमें हमें सूर्य क्या देगा? यह धन और कुटुंब से सामान्य सुखी होता है ऐसा व्यक्ति, अधिक नहीं, सामान्य सुख इसको मिलता है, और परिश्रम से अपने लिए धन भी एकत्रित कर लेता है और लाभ कमाने वाला होता है। और ऐसे व्यक्ति के अंदर व्यभिचार से बचा हुआ होता है लगभग, जो इस भाव का दृष्टिफल है। अगर शत्रु ग्रह बैठा हो जब बात अलग होती है। अब तीसरे भाव को जब भी सूर्य देखता है तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है? ऐसा व्यक्ति ऊंचे कुल में पैदा होता है, राजा से सम्मान पाने वाला होता है, परंतु बड़े भाई के सुख से वंचित होता है, मेहनती होता है और नेता होता है, राजनीति में अपनी पकड़ बनाता है तीसरे भाव में। अब कुंडली का चौथा भाव क्या कहता है? ये कुंडली का चौथा भाव है, चौथे भाव के सूर्य को जब भी देखता है तो 22 वर्ष तक या 22वें वर्ष में व्यक्ति को किसी प्रकार की हानि होती है। क्षमा कीजिएगा, 22वें वर्ष में व्यक्ति को किसी प्रकार की हानि होती है, वाहन सुख उसे प्राप्त होता है और वह माता का भी सुख उसे प्राप्त होता है, भौतिक सुखों को वह व्यक्ति पाने वाला होता है और अपने मित्रों में सम्मान पाने वाला होता है। कुंडली का पांचवा भाव, पांचवा भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है तो ऐसे में व्यक्ति की संतान हानि होने की संभावना होती है, पुत्र के लिए चिंतित होता है। 21 वर्ष की आयु में प्राप्त होने पर वह एक विद्वान के समान जीवन जीता है। 21 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर वह एक विद्वान के समान जीवन जीता है। अब कुंडली के छठे भाव को सूर्य देखता है तो क्या करता है? छठे भाव को जब भी सूर्य देखता है तो व्यक्ति को ऋणी बनाता है, उस पर किसी ना किसी प्रकार का कर्जा होता है और वह अपनी स्त्री के लिए 22वें वर्ष में कष्टकारी होता है। जब भी शादी के साल का 22वां वर्ष चल रहा होता है, व्यक्ति की 22वीं सालगिरह होती है तो कष्टकारी होती है, और छोटे मोटे रोग भी उसको घेरते हैं जैसे सिर दर्द, आंखों के रोग। तो मैं वीडियो के अंत में सूर्य ग्रह से संबंधित उपाय बताऊंगा आपको, जहां थोड़ा बहुत सूर्य अशुभ प्रभाव देता है वहां उन उपायों को आप फॉलो कीजिए। सातवें भाव में सूर्य क्या फल देता है?
सातवें भाव में सूर्य व्यक्ति को व्यापारी बनाता है और जीवन के अंतिम दिनों में वह अपना जीवन बहुत सुखी से व्यतीत करता है। स्वतंत्र रूप से काम करने वाला होता है, किसी के नीचे काम करने वाला ऐसा व्यक्ति नहीं होता। आठवें भाव को सूर्य देखता तो क्या होता है? जब भी सूर्य आठवें भाव को देखता है तो ऐसा व्यक्ति व्यभिचारी, पाखंडी और निंदित कार्य करने वाला होता है और रोगी भी होता है, दूर स्वभाव का होता है। नवा भाव, नवे भाव को जब भी देखता है तो क्या फल देता है? जब भी सूर्य नवे भाव को देखता है तो वह धर्म भीरु होता है, बड़े भाई और ससुराल सुख से वंचित हो सकता है। और अगर यहां से सूर्य की दृष्टि उच्च की हो और उच्च का सूर्य देखता हो तो इसके विपरीत ही परिणाम मिलते हैं, मतलब अच्छे परिणाम मिलेंगे। दसवें भाव को देखता है तो सूर्य राजा से सम्मान पाने वाला होता है, धनी होता है और माता का सुख थोड़ा बहुत ही मिलता है, माता के सुख से थोड़ा बहुत वह वंचित रहता है। वाहन और धन का पूर्ण सुख ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में पाता है। ग्यारहवें भाव को जब भी सूर्य देखता है तो क्या प्रभाव देता है? जब भी सूर्य ग्यारहवें भाव को देखता है, इससे पहले मैंने आपको दसवें भाव के बारे में बताया है, ये दसवां भाव है जो मैंने इससे पहले आपको जिसके बारे में बताया है। जब भी ऐसा व्यक्ति ग्यारहवें भाव को देखता है सूर्य, तो धन लाभ करने वाला एक प्रसिद्ध व्यापारी होता, कुलीन होता है, धर्मात्मा होता है। और यह है बारहवां भाव, जब भी सूर्य बारहवें भाव को देखता है तो ऐसा व्यक्ति प्रवासी होता है, एनआरआई होता है, बाहर जाकर धन कमाता है, शुभ कार्यों में व्यय करने वाला होता है और मामास के लिए कष्टकारी होता है, वाहन और मकानों का शौकीन होता है। ये मैंने आपको सूर्य ग्रह की दृष्टिफल बताए हैं कि सूर्य अपनी सातवीं दृष्टि से देखता है, जहां भी बैठा होगा वहां से अपनी सातवीं दृष्टि से देखेगा। सातवें भाव से दृष्टि पहले भाव पर पड़ेगी, अगर सूर्य आठवें भाव पर होगा तो धन भाव को देखेगा, 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार यह दृष्टि एंटी क्लॉकवाइज चलती है। अब सूर्य के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सूर्य के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए व्यक्ति को जहां तक हो सके सूर्य यंत्र तांबे पर बनवाकर धारण करना चाहिए। जब भी सूर्य को जल दे, केसर मिलाकर या हल्दी मिलाकर सूर्य को जल दे तो सूर्य के नेगेटिव प्रभावों में कमी आती है। सूर्य सूक्त का पाठ करें, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें और जल देते वक्त सूर्य के 12 नामों को ना लेगा तो बहुत अच्छा होगा। गायत्री मंत्र का पाठ करें, गायत्री मंत्र के पाठ के साथ सूर्य गायत्री मंत्र का भी पाठ करें। इसके अलावा गेहूं का दाना अगर चिड़ियों कबूतर को डालता है तो व्यक्ति को लाभ होता है। पीली वस्तु का ध्यान व्यक्ति को फलता है, जितना हो सके पीली वस्तु का ध्यान दे, जैसे चना हो गया, केले हो गए, ये पीली वस्तु में आते हैं। सूर्य को जल हमेशा तांबे के लोटे से ही दे और तांबे के लोटे से ही देना चाहिए। सूर्य कवच का पाठ करें, सूर्य यंत्र के बारे में जैसे मैंने आपको बताया धारण करें। जब भी सूर्य नीच का हो या शुभ प्रभाव दे रहा हो तो माणिक्य धारण करें। यह मैंने आपको सूर्य ग्रह के विभिन्न भावों में दृष्टिफल के बारे में बताया और वीडियो के अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। आज शाम को हम फिर मिलते हैं आपसे यंत्र मंत्र तंत्र के एक नए एपिसोड के साथ, जिसमें आपको यंत्र मंत्र और तंत्र के बारे में बताया जाएगा और हो आपकी अगले दिन की राशि 4 मार्च की राशि के बारे में 2023 का एडवांस फलादेश बताया जाएगा। आपका दिन शुभ रहे।